हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू PNS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो SSC CGL 2023 का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, साथ ही साथ आपको टायर 1 और टायर 2 का सिलेबस भी बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेज होता है वह होता है टायर 1 का, जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसका डेट भी जारी किया जा चुका है, 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 2 मंथ का समय, 80 दिन का समय आप मान कर चल सकते हो कि आपके पास है टायर 1 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद टायर 1 के बाद एक कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, ठीक है। उस कट ऑफ में जितने लोग क्लियर करेंगे वो जाएंगे अब टायर 2 का एग्ज़ाम देने, ठीक है। यहाँ से आप चले जाओगे टायर 2 का एग्ज़ाम देने। अब जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसी पे मेरिट डिसाइड होगा, ठीक है। टायर 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा। टायर 1 आप एक तरह से सोच सकते हो कि टायर 2 के लिए वो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। अब टायर 2 में मेरिट डिसाइड होगा, ठीक है। और ये भी आप मान के चल सकते हो कि सितंबर तक आपका टायर 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। टायर 2 का जब एग्ज़ाम होगा तो एक मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद आपसे एक ऑनलाइन पोस्ट प्रिफ्रेंस पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा पोस्ट के लिए प्रीफ्रेंस देना चाहते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट मिलेगा तो डिपार्टमेंट कराएगी, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उससे पहले बहुत सारा मेडिकल वगैरह कराया जाता है, वो तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। तो लास्ट जो सबसे खुशी का प्रोसेस होता है वो होता है ज्वाइनिंग, जो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद मिलता है। तो ये तो आप अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था 4 स्टेज 5 स्टेज में होता था, लेकिन मिशन मोड के चलते इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो अभी जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेना चाहते हैं SSC CGL के थ्रू, उनके लिए प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो चुका है। 7500 के आसपास वैकेंसी है, जिसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टायर 1 का सिलेबस दिख रहा होगा। टायर 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, टायर 1 जो है वह क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इससे आपका बस एक कट ऑफ होगा टायर 2 के लिए, ठीक। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट है, क्या क्या है? रीजनिंग है, GK है, मैथ है, इंग्लिश है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है 4 सभी 50-50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके लिए समय कितना दिया जाएगा? तो समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा 200 मार्क्स के लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब टायर 1 होगा कैसा? टायर 1 आपका कंप्यूटर पर होता है, MCQ होता है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश और हिंदी जिस भी मीडियम से आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5 का। 0.5 बोले तो अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर 1 क्वेश्चन गलत होता है तो -0.5 आपके मार्क्स से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टायर 1 का सिलेबस आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं टायर 2 की। टायर 2 का सिलेबस थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा पेचीदा है। टायर 2 के सिलेबस में अलग अलग पेपर्स हैं और अलग अलग सेशंस हैं, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका पेपर 1 केवल होता है, और कुछ अलग कैंडिडेट जैसे जिनका AAO में वैकेंसी होती है उनका पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बाकी सारे लोग का पेपर 1 सिर्फ होता है। पेपर 1 में भी क्या है कि 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन होता है, लेकिन 1 घंटे के अंतर में, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप सेशन 1 देंगे। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें क्या क्या होगा? इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन होगा, जो कि 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस पार्टिकुलर दोनों सेक्शन के लिए यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और GK पूछा जाएगा। इंग्लिश 45 क्वेश्चन होगा और GK 25 क्वेश्चन। टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स का होगा।
यानी कि यहाँ पर सेक्शन वन और सेक्शन टू मिलाकर टोटल 390 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, और सेक्शन वन के लिए 1 घंटे, सेक्शन टू के लिए 1 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन थ्री का एग्ज़ाम होता है जो कि कंप्यूटर का होता है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं 60 मार्क्स के, जिसके लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इस सेशन वन को देकर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, और नेक्स्ट 1 घंटे बाद आपका सेशन टू होता है, जिसमें कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होता है। डेटा एंट्री में क्या होता है कि एक टाइपिंग देना होता है जो कि 2000 वर्ड का होता है टाइपिंग, वो आपको 10-15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक। तो ये पेपर वन जनरल सभी वैकेंसी है उसके लिए होती है, और कुछ वैकेंसी है जिनके लिए पेपर टू स्टैटिस्टिक्स का 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का होता है, और पेपर थ्री जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का वो भी होता है, ठीक है। टायर टू का सिलेबस भी आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके मन में कुछ और डाउट होगा कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना हम स्कोर करें कि टायर वन क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे कि आपको 2020-2021-2022 का डाटा, ईवर का 2020 में 180, 172, 175, 156, 151 अलग अलग कैटेगरी का था। 2021 में 132 था, 2022 में 114 था। इस बार एक्सपेक्टेड वैकेंसी को देखकर कहा जा सकता है कि 140 प्लस आप अगर एक बार से लाते हैं तो 2023 में आप सेलेक्ट हो सकते हैं टायर टू के लिए। 135 प्लस आपका ओबीसी में, 135 प्लस ईडब्ल्यूएस में, 120 प्लस एससी में, और 110 प्लस आपका एसटी में, ठीक है। आई होप दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, टायर वन का सिलेबस और टायर टू का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी मुझे अगर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।